प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर असामयिक मृत्यु बनाकर पुलिस मृतक के परिजनों को गुमराह करने का प्रयास करने वाले मृतक की पत्नी को उसके प्रेमी के साथ राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना राजपुर को सूचित किया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि मक्कावाला के पास नदी में मक्कावाला निवासी अमजद नामक व्यक्ति का शव पड़ा है। प्रतीत होता है कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को यहाँ फेंक दिया था। सूचना पर थाना अध्यक्ष राजपुर तत्काल मैया पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटना के संबंध में उच्चाधिकारी गढ़ो को अवगत कराया गया। घटनास्थल मक्कावाला गाँव के पास बरसाती नाले में एक व्यक्ति का शव पड़ा था, जिसके आसपास स्थानीय लोग एकत्रित थे, जिनके द्वारा मृतक की शिनाख्त मोहम्मद अजमत पुत्र आबिद हुसैन निवासी मक्कावाला थाना राजपुर देहरादून उम्र 44 वर्ष के रूप में की गई। मृतक राजमिस्त्री का काम करता था तथा मक्कावाला में ही किराए पर अपनी पत्नी जैतूनिशा व 3 बच्चों के साथ रहता था। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल अलग अलग पुलिस टीम गठित कर घटना का शीघ्र अनावरण कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। कल रात में सूचना में सुबह मिली 1:45 की रात को एक मर्डर हुआ था, जिसमें कि एक अमजद सनम आबिद के मक्का वाला पड़ता है DIT के पीछे राजपुर रोड में। तो इस व्यक्ति का मर्डर इसकी धर्मपत्नी है जैतूनिशा और इसका एक पुरुष दोस्त पुरुष मित्र जो है ये लखवीर सिंह और पिंटू। तो ये दोनों बेसिकली मृतक धर्मपत्नी जैतूनिशा और ये लखवीर सिंह दोनों प्यार करते थे और अपने प्यार में टाइम भी लव था। इस लव में इस प्यार में अमजद को हटाने के लिए कल पहले से धर्मपत्नी जैतूनिशा ने इसको शराब पिलाया और शराब पिला करके इसका जो पुरुष मित्र है वो आ गया। फिर दोनों ने ये जैतूनिशा का जो दुपट्टा होता है उससे उसका गला घोट करके उन्होंने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद मक्कावाला में बगल में एक नदी है, वहाँ पर गदेरा टाइप का है, तो वहाँ पर उसने जैतूनी को फेंक करके फेंक दिया। तो सुबह लगभग 7:30 के लगभग जो है पुलिस को जानकारी मिली। जानकारी मिलने के तुरंत 1 घंटे में ही इस मामले का पर्दाफाश किया गया। दोनों अभियुक्तों को अभियुक्त दोनों को पकड़ लिया गया। उसमें जो दुपट्टा है उसकी भी रिकवरी कर ली गई है और इस प्रकार से इस मामले का पर्दाफाश हुआ। तो टीम को त्वरित वर्कआउट करने के लिए उनको